अरे दे पैं पैं पैं। हाँ हम आधा घंटे में पहुंच जाए। का भाई का भाई महाराज, आधा घंटा और लगे। आधा घंटा? पब्लिक उधर टमाटर जूता के बारिश कर दी, पिटाए जाए हमने सर। अरे आज मुंह आती है सर, बमुखल पड़े सो। चंदन जी एक काम करता नहीं, हमने ना ऑडियंस में जाके शामिल हो जाते नहीं, केहू पहचानी ना कि हमने के ऑर्गेनाइजर बने। चंदन जी, जी जी जी, अनाउंसमेंट कराई। हाँ? हम संभालब स्टेज तब तक। रहुआ जय हो, जय हो, जय हो, चला हो। अरे हुजूर, अभी आए अभी बैठे, अभी दामन ही संभाला है। अभी आए अभी बैठे, अभी दामन ही संभाला है। जरा दिल थाम के बैठिए हुजूर, क्योंकि अभी बहुत कुछ होने वाला है। ए अरुण, जो धंधा पे लग जो। जी हाँ, दिल थाम के बैठिए, आपके इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई। बस थोड़ी ही देर में आपके बीच आ रहे हैं हमारे सुपरस्टार गायक कलाकार मिस्टर साजन, और उनका साथ देने के लिए आ रही हैं मिस कल्पना। तो जोरदार ताली होनी चाहिए आपके हाथों की। ताली ना गाली मिली तो के। अरे दोस्तों जरा सा इंतजार कीजिए, आपके चेहरे कलाकार साजन जी बस आ रहे हैं। अरे जल्दी चल, सो में जाके लेट होता। हेलो। हेलो साजन भैया। हाँ, तोहरा माई के सांप काट ले बा। का जल्दी मरते घरे आ जा तू। के बोलता? हेलो 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 हेलो, फोन भी डिस्चार्ज हो गई। चल जल्दी से गाड़ी घुमाओ। रवा लोग इनके कल्पना के प्यार भरा नमस्कार। बहुत जल्द आप लोगन के इंतजार खत्म होके वाला बा, और साजन जी बहुत जल्द यहाँ आवे वाला बाड़न। तब तक हम एक गाना आप लोगों के सामने पेश कर रहल बानी। करे आजा हम से मोहब्बत सनम, ए दिल बाट तो हके। अरे दुखी आत्मा बंद कर, अपना तो कर वही बुक है जा साजन के भेजे। ए कल्पना जल्दी से साजन के बुलावा ना, तो चप्पल से मार दे। मारो भैया साजन के बुला, साजन के इसका बेटा। माई का फिर? माई हाँ ठीक तो बाड़े ना? हाँ। ना ते हमरा से झूठ बोलता रे, तोरा के सांप कट ले बाना। हमरा के? हाँ सांप? हाँ, हमरा मोबाइल पर फोन कर रहा ना कि तोरा के सांप कट ले बा। अरे बच्चों हर कोनो गलत नंबर आए नोखी रे, हम तो एकदम ठीक बने। ना ते झूठ बोलता रे। कैसे मन पे नाच के दिखाई, रुक ए, 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 ए। अब ठीक? कुछ नहीं बेटा। वाह, हमरा बेबसी पर हंसा था नी कि अपन बेवकूफी पर। सवाल करा तरु कि जहर उगले तरु। अमृत पर भगवान के हक होला, राहुल आज के हरकत के बाद हमरा नजर में इंसानों लायक नहीं थी। लगता तो हर दिमाग खराब हो गई बा। अरे खराब तो हमार जिंदगी हो गई बा, जैसे जनक मोहना आदमी से शादी करके। अरे तू रही, ये तू का बात करता रू? पब्लिक के जूता चप्पल खा के आ रहल बानी अम्मा जी। जब दिल दुखाला तो जबान से खाली सच्चाई निकलेला। अगर हमरा साथे स्टेज शो करे में रवा के शान शर्मिंदा होत रहे तो प्रोग्राम कैंसिल कहीं नहीं करवाईनी। आवे के बोल के धोखा देवे की का जरूरत रहे? रानी तू हमके समझे के कोशिश कर, हमारा ऐसा कोनो इरादा ना रहे। हम प्रोग्राम में आवते रहनी है, अचानक यहाँ से कॉल चल गए की माई के सांप काट देले बा, और हम भागल भागल यहाँ चले। मेहरारू के आगे महतारी के प्यार करन बहुत अच्छा बात बा, बाकी मेहरारू के धोखा पे धोखा दे के ओकर बेइज्जती कइल बहुत गलत बात बा। कहाँ कटले बासा हम तो देखी। हम एकदम ठीक बानी बिटिया, कोनो रंग नंबर के सही समझ के आगल रहे। हसवा कितनो मढ़ाइल रही, अपने ओरे खींची। देखा रानी, माई से बदतमीजी मत करा।
रउवा जैसन एहसान फरामोस के तमीज सिखावे के कोनो जरूरत नहीं है। हम एहसान फरामोस मानी अपन दिल से पूछी ए खुद के गिरवी रख के तोरा बाप के बेघर होके से बचावले बानी। वो हैसियत लायक भी हम रउवा के बनावले बानी। अच्छा जब तेही सब कुछ के लिए बड़ी तो हम कौल पर माटी चढ़ोले बनी का सजन जायदा ना बेटा दुल्हन के एहसान मान ला मान लेती माई लेकिन हमके पता तो चले के चाहिए कि हमारे खेती के लिए का भैया अगर हम न रहती ना तो आज भी स्टूडियो में चाय पियावत रहती और लोगों के जुट्ठन उठावत रहती ना हमार उस समय किस्मत खराब रहे और ना ही आज मा थप्पड़ हमरा गाल पे मरनी बाकी चोट सरस्वती माँ के लगल जब ना घर में सरस्वती माँ की इज्जत नहीं खे वो घर में हमें एक मिनट भी ना रह सकेनी। हाँ हाँ बाप के कपार पर बोझ बन के रह के शौक पता जा सरस्वती माँ के बहाना मत करा बेटा इतना गुस्सा उचित नहीं है कितने घरे में झगड़ा झंझट ना होला ऐसा मत करा बेटा रोक ला दुल्हन के रुक जा दुल्हन जाए दे भाई पता तो चले कि जौन औरत अपना पति के इतना बेइज्जत करके जाती है ओकर बाप ओकर कितना इज्जत कराता नहीं बेटा दुल्हन।